नमस्कार मित्रों, मैं हूं रुपेश देवांगन और आज अपने चैनल पर फिर से आपका बड़ी विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पास एक मेरे फैन हैं तो उन्होंने एक मेज़रमेंट दिया था अपना बॉडी का मेज़रमेंट। हर बार लिखती थी, सर मेरा मेज़रमेंट बताओ, मेज़रमेंट बताओ। उन्होंने मुझे मेज़रमेंट लेकर दिया है, उसमें लंबाई बताई है 14 इंच, 35 इंच उसकी चेस्ट की है, 30 इंच उसके क्या बोलते हैं कमर है, 6 इंच इसके क्या बोलते हैं आस्तीन की लंबाई है, 5.5 इंच इसका मोरी है। उसने 5 लिख कर दिया था, मैंने 5.5 कर दिया क्योंकि 30 इंच चेस्ट में चलो किसी का ये रहता है करके। सामने गला तो उन्होंने उल्लेख नहीं किया था, लेकिन मैंने फिर भी सामने का गला 6.5 इंच और पीछे का गला 10 इंच। उन्होंने शोल्डर दिया था 16 इंच और आर्म होल का तो उन्होंने ठीक से नहीं लिखा था, 13 इंच लिखा था, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। 13 इंच 35 इंच चेस्ट है तो 13 इंच आर्म होल नहीं होता। बस्ट का राउंड भी दिया था उसने 13 इंच। देखिए मित्रों, मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, बॉडी से नाप लेने पर हमें पता चलता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है दो चीज़ें। एक तो ये बस्ट राउंड जो होता है ना, इसको नाप लेना बहुत ही क्या बोलते हैं टेक्निक का काम होता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये होती है मित्रों कि मेरे पास कोई लेडीज एग्री नहीं होती कि मेरे बॉडी का नाप उसका सूट कर सकूं, किसी का नाप लेकर उसको दिखाऊं, क्योंकि हम ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पर शर्म हया जैसी कुछ चीज़ें बहुत हावी रहती है। अगर कोई क्लाब, अगर मैं अहमदाबाद टूर करने वाला हूँ, अगर मुंबई टूर करने वाला हूँ, उस दरमियान कोई एग्री होती है कि अपने बॉडी से मेज़र कराने के सूटे मतलब कैमरे में आने पर, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। मैं यहीं पर मैं क्या बोलते हैं ये हो जा रहा हूँ कि मैं समझा नहीं पा रहा हूँ कि सब चीज़ों को किस प्रकार से किसी के शरीर से बॉडी से नाप लें। और क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं समझाने पाने को, जैसे जिनको बहुत समझ आ जाता है वो तो बड़े अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, भैया कोई गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु करके मुझको सम्मानित करते हैं, और कुछ को पसंद नहीं आते वो गालियां लिखने भी परहेज नहीं करती। तो ये ऐसा है कि यहां पर मैं थोड़ी सी मुश्किलात में हूं कि किसी कैसे किसी बॉडी मेजरमेंट करूं, क्योंकि बॉडी का मेजरमेंट यहां सबका अलग होता है। मैं नहीं समझता कि कोई इसको ऐसी किताब बनी होगी जिसको जिसका कोई एकदम 90% या 70% एक्यूरेट रहता होगा, क्योंकि हर बॉडी आपके पास 50 शरीर है, 50 लोगों का नाप आएगा तो कम से कम उसमें से 30 लोगों का शरीर एकदम अलग रहे, भले ही क्यों ना उसका चेस्ट एक समान है क्यों ना हो। अब रही बात होती है, अगर ऐसा कोई फिक्स कोई हो जाता तो बड़ी बड़ी कंपनियाँ बड़े सुंदर रेडीमेड ब्लाउज बनाकर बनाती और हम जैसे टेलरों को उतना ये कह हम जैसे यूट्यूबर की उतनी आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये कुछ ऐसा चीज़ है, पहलू है जिस पर हम ये नहीं कर पाते। तो ठीक है मित्रों, आज इसके कटिंग चालू करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बात करना भी किसी लोगों को पसंद नहीं आता, तो उसके लिए सॉरी। 14 इंच की लंबाई है तो हम सीधा लंबाई करते हैं। ये हमने 14 इंच की लंबाई ली तो 15.5 इंच पर इसको मार्किंग कर लिया है। 10 इंच पीछे से गला खुल रही है इस प्रकार से, 10 मतलब हम आधा इंच सिलाई के लिए करते हैं तो 10.5 हो गया। अब क्या करते हैं, मैंने 10.5 इंच जब गला खुली हो तो मैंने कहा था कि जो जिसका चेस्ट है, मैं हाई बस्ट की ही बात कर रहा हूँ मित्रों, क्योंकि अपर बस्ट जो होता है सबका एक समान होता नहीं है, मैं उसका अपर बस्ट एक्यूरेट होता नहीं है, इसलिए मैं अपर बस्ट की जिक्र नहीं करता। हाई बस्ट से आप 0.5 इंच कम कर दो, इस क्या बोलते हैं 8.25 पर इसका मार्किंग कर देते हैं हम। 10 इंच गला खुली है तो बहुत से लोगों को यहाँ पर भी कंफ्यूजन होती है कि शोल्डर आप किस प्रकार से लेते हैं। तो देखिए मित्रों, इन्होंने शोल्डर भेजा है 16 का भेजा था, मैंने 15 कर दिया क्योंकि 35 इंच चेस्ट का लमसम 14.5 से 15 बीच अधिकतर होता है, 16 भी होता है, कभी कभी 17 भी आता है। इसीलिए जो कहता हूँ कि बॉडी मेजरमेंट एकदम अलग चीज़ होती है, किताबों में लिखी हुई या फिर कोई एक आदर्श नाप जैसे बात अलग होती है तो अलग है, लेकिन 15 इंच समझ लीजिए इसका शोल्डर लेता हूँ मैं। तो 15 का आधा होता है 7.5, 7.5 हो गया, हमने ऐसे रखा। और उसमें क्या किया, जब गला 10 इंच खुल रही हो तो मैं 2 इंच कम कर देता हूँ तो हो कितना जाता है वो 5.5 पर इसका मार्किंग आ रहा है ना। अब इसको बहुत से लोगों ने जैसे इस प्रकार से ऐसे मैं तिरछी करने कर देता हूँ हल्की से, देखिए शोल्डर के हिसाब से सब रहता है, इसे तिरछी कर देता हूँ। तो बहुत से लोगों ने पूछा, सर हमने किसी ने नहीं बताया इस प्रकार से तिरछी लेना, आप तिरछी क्यों करते हो। तो सीधा सा उत्तर है मित्रों, मैंने शोल्डर में 2 इंच कम किया है,
शोल्डर में 2 इंच कम किया है, मतलब शोल्डर के आधे में 2 इंच कम किया है, तो सीधी सी बात है इधर है। अब ये जब गला खुलेगी, खुल कर कटेगी तो फैलेगी, तो ये तिरछी तो इधर इधर फैल जाएगी ना, तो फैल जाएगी ऑलरेडी, तो ये तिरछी ले लेते हैं। मैंने जब हाई नेक गला काटता हूँ मित्रों, तो इधर अंदर दे करता हूँ इस प्रकार से, हाई नेक इस प्रकार से करता हूँ, इस प्रकार से अंदर, जब हाई नेक गला का कटिंग बताता हूँ तब। वो अगर ऐसा ही तिरछी में सभी में काटने लगता तो गलत हो जाता, तो अंदर जो उसमें गले की खोल के हिसाब से इसको सीधा या तिरछा। जब हम 8 इंच गला काटते हैं, 7 इंच गला काटते हैं, तो मैं बिल्कुल सीधी लेता हूँ। इस प्रकार से इस पर इसको किया जाता है। और इसका कारण रीजन यही है कि जब ये गला फैलता है तो खुद ब खुद ये शरीर में आ जाता है। ठीक है, बहुत ही टेक्निकली रहता है सब बातें, इन सब चीज़ों को शॉर्ट कट में बता दिया जाता है, इसलिए आप लोगों को फिटिंग सही नहीं आता है। मैंने इसको प्रैक्टिकल करके देखा है, और मेरा जो ज्ञान है मित्रों प्रैक्टिकल है, मैंने किसी प्रकार से किताब से नहीं पढ़ा है। किताब लिखने वाले बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, मैं उतना नहीं हूँ। जितना मैंने काम करके जो फिटिंग आया है ग्राहकों का, वही चीज़ हुआ। तो हमने इसको तो समझ लिया आपने, तो 30 इंच कमर है मित्रों, 30 होता है चौथा हिस्सा, 7.5 होता है, उस पर 1 इंच डांट के लिए एक्स्ट्रा कर देते हैं। इस प्रकार से हमने ये मार्क किया। मैं लगभग 1.5 इंच का मार्जिन रखता हूँ, ये 1.5 इंच का। ज़्यादा मार्जिन रखने पर अंदर में बहुत सारे मोटा हो जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा मार्जिन 15 इंच का आर्म होल है। ये सब आर्म होल, शोल्डर, ये सब चीज़ें ठीक से नहीं समझाई जाती क्लास में सिखाने में, इसीलिए ये सब गड़बड़ पैदा हो रही है। इसको हम नापते हैं, ये इस प्रकार से इसको नाप रहे हैं, तो देखिए कितना आता है, 7.25 आ रहा है, 8 आ रहा है लगभग, थोड़ा ज़्यादा हो रही है, इसलिए हम उसको कम करते हैं। ये अब इसको हम काट लेते हैं। ये मैंने काट लिया, डॉट के लिए मार्किंग कर ली, उसके बाद यहाँ से तिरछी लेकर काटते हैं। इसको इस प्रकार से काट देते हैं, इस पर टक से लगा देते हैं इस प्रकार से, और इसकी मार्किंग इस प्रकार से हमने टक्स की मार्किंग कर ली है, ब्लाउज की मार्किंग कर ली पूरी। तो अब उसके बाद काटेंगे हम सामने का पल्ला। सामने का पल्ला काटने से पहले मित्रों मैं कटोरी का साइज निकाल देता हूँ उसके लिए। एक्चुअली कटोरी का साइज पहले निकालने का कारण ये होता है कि उससे आपका जो कटोरी पार्ट की जो कटिंग होती है वो फिक्स हो जाती है। तो चलिए हम इसको काटते हैं। मैंने बताया था मित्रों कि एक हमें एक रेखा लेनी है ना, जो करीब यहाँ से करीब मैं यहाँ पर 4 इंच ले रहा हूँ, उसके बाद सीधी खींच देनी है, उसके बाद यहाँ से ठीक नीचे 2 इंच पर एक सीधी पैरेलल रेखा खींचेंगे, उस पर 1.5 इंच में एक पॉइंट कम, एक पॉइंट ऐसे का होगा, उसके बाद उसी पॉइंट पर हमने इसे ऐसे तिरछी रेखा खींच ली है, खींच ली ना। अब उसके बाद इसी पॉइंट को बनाकर हम इसको ऐसे मोड़ देंगे, इस प्रकार से मोड़ देंगे ये, और उसको हमने ये ऐसे एक रेखा हमें और प्राप्त हो जाएगी जो होगी इस तरह से। ये रेखा भी हमने खींच लेंगे, ये इस प्रकार से खींच लिया, ये हमने खींच लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से 2.75 पर, 2.75 पर एक मार्किंग करेंगे, और यहाँ से फिर हम 2.75 पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर 2.75 पर यहाँ पर मार्किंग करने पर हमें एक सीधी रेखा हमें प्राप्त हो जाएगी, दोनों को मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी, ये इस तरह से है ना, सीधी रेखा प्राप्त हो जाती है। अब इस पर क्या करेंगे आप लोग, अब क्या करेंगे, जो बच्चों के कंपास में इस प्रकार का प्रकार आता है ना, जो स्केल आता है, उस पर क्या करेंगे, इस यहाँ से लेकर यहाँ रेखा पर ये जो पॉइंट है, मैंने 2.75 पर पॉइंट लगाया, उस पर इसको इसके पॉइंट को रखेंगे और सीधी इसको खींच लेंगे। बहुत आसान है मित्रों, मैं बिल्कुल ये इस प्रकार से एक मैंने तरीका बनाया है तो आप लोगों को समझाने के लिए, ये समझाने के लिए, क्योंकि इस तरीके से बनाने से ये कटोरी परफेक्ट बन जाता है। अब उसके बाद क्या करें, फिर इसको क्या बोलते हैं, 0.5 इंच से इसको बढ़ा देंगे। ये गौर से देखिएगा मेथड, बहुत आसान है वैसे। अब क्या करें, यहाँ से हमने 2.75 लिया था ना, हम इसका कटोरी का साइज बना देते हैं, कटोरी का जो साइज है यहाँ पर भी 2.75 बन लगा देते हैं। यहाँ से हमने कौन से रेखा पर 2.75 लगा रहा हूँ, इसके जो समानांतर खींच रहा हूँ, इस रेखा पर मैंने 2.75, इस रेखा के समानांतर मैंने 2.75 पर बिल्कुल सीधे में हमने खींच दिया है इस प्रकार से। ये इस प्रकार से हमारा ये लगभग फर्मा तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम कार्बन निकाल लेंगे जब ना,
तब इस प्रकार से हमें डायग्राम प्राप्त होता है। अब इस डायग्राम पर हमें क्या करना है, एक रेखा हमें यहाँ पर पौने ये रेखाएं मैं इसलिए खींच के बता रहा हूँ मित्रों कि ये रेखाएं हमें बाद में इजी सरलता करती है, आपका काम आसान हो जाता है उससे। इन रेखाओं पर रखना भर है, उस पर मार्किंग करनी है और आपका कटोरी सेट हो जाता है। ये पौने तीन पर यहाँ से मैंने देखो एक रेखा यहाँ पर रही नहीं पौने तीन पर, तो यहाँ से मैंने ठीक इस रेखा के समानांतर पौने तीन पर एक इधर निशान लगाया और ये देखो यहाँ पर जो कट हो रही ना कट, ये देखो यहाँ पर कट हो रही है इस, तो इस रेखा पर भी बिल्कुल सीधी इसके समानांतर, बिल्कुल समानांतर, कहीं से भी तिरछी ना हो तो इस प्रकार से समानांतर होना चाहिए रेखा। समानांतर किस प्रकार से होगा, जैसे यहाँ से रेखा की दूरी है 3.5 तो यहाँ पर भी हमें 3.5 ही होगा, तो दो जगह से समान इस प्रकार से हमें रेखा प्राप्त होती है। तो एक प्रकार से हमें किन रेखाओं की आवश्यकता हो जाती है, एक रेखा मिल जाती है, ये दूसरी रेखा मिल जाती है, ये और तीनों, ये तीनों रेखाओं से हमारा कटोरी का जो कटोरी पल्ले पार्ट होता है उसका कटिंग आसान हो जाता है। अब इसको हम काट लेते हैं मित्रों, देखिए अब किसको काटना कैसे है, देखिए यहां से आपको आधा इंच एक्स्ट्रा करना है ये, ठीक है, नीचे वाले हिस्से से भी आपको यहां पर देखिए यहां पर से थोड़ा आधा इंच करते हुए इसको हम यहां पर मिलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसको घुमाते हुए इसको नीचे वाली रेखा के बिल्कुल बराबर में हम काट देंगे इस प्रकार से, तो हमारा कटोरी का फर्मा रेडी हो गया, ठीक है मित्रों, कटोरी का फर्मा रेडी हो गया। अब चलिए काटते हैं सामने का पल्ला, इसको हम पॉइंट बना देते हैं, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो जाता है, ये इस प्रकार से हो गया। तो उसके बाद हम इसको इसके रखते हैं, आप पीछे का पल्ला देखिए, पीछे का पल्ला हम एक मिनट, पीछे के पल्ले को एक प्रकार से आप यहाँ पर एक छप्पा लगा सकते हैं पहले समझने के लिए, है ना, क्योंकि मुझे समझाना है आपको, इसलिए मुझको थोड़ा से इस काम को विस्तार से करना पड़ता है। शॉर्टकट में कर देता हूँ तो भी समझ मुश्किल हो जाती है और ज़्यादा विस्तार करता हूँ तो भी समझ मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर एक छप्पा लगा लेंगे आप यहाँ पर बिल्कुल इसका, ये इस प्रकार से इसको खींच लेंगे, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम प्रोसेस कर देंगे, बिल्कुल यहाँ पर इसको आप देखेंगे तो ये देखिए हमने इस प्रकार से हमने छप्पा लगा लिया, इसको हटा देते हैं, आप ये देखिए हटा देते हैं। अब क्या करें मित्रों, यहाँ से जितनी दूरी है लगभग ये 1.25 पर है, इसकी दूरी 1.25 पर है ना, तो यहाँ से भी हम 1.25 पर करेंगे ये, क्योंकि थोड़ी सी ये तिरछी है ना यहाँ रेखा, उसको हम सीधी कर रहे हैं इस रेखा को ये। अब क्या करें मित्रों, सामने से गला हमने 6.5 इंच खुला कर रहे हैं बंद, तो सामने का गला ज़्यादा 6.5 इंच खुला कर रहे हैं ना, तो सीधी सी बात है कि ज़्यादा फैलने लगेगा, इसलिए क्या करेंगे आप, जो इसको है ना ये जो इसको हमने किया उसका 0.25 इंच थोड़ा इधर खसका देंगे, इससे गला का शोल्डर उतरने का समस्या बहुत हद तक से 0.25 इंच इसको खसका देंगे इस प्रकार से। और उसके बाद भाई 0.25 इंच ये खसक रहा है तो सीधी सी बात है यहाँ का खोल बढ़ जाएगा, खोल बढ़ जाएगा ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ऊपर से भी थोड़ा सा 0.5 इंच इसको कम कर देंगे ये, अर्थात हमें रेखा इसमें ये चेंजेस हो जाएगा, ये थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, अब ये हमें प्राप्त हो जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। 6 इंच गला खुल रही थी, 5.5 खुल रही होगी तो 10 के 10 रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा खुल रही है यहाँ पर गला, इसलिए हम इसको इस खोल को और किए हैं। अब उसके बाद जैसे हम शोल्डर की चौड़ाई देते हैं, ये देखिए शोल्डर की चौड़ाई 2.25 है, तो यहाँ पर भी हम 2.25 हम शोल्डर की चौड़ाई दे देते हैं इस प्रकार से, और 6.5 इंच गला खुल रही है तो यहाँ पर कितना आता है देखिए आप, ये 5.25 इंच का यहाँ पर शोल्डर है, यहाँ पर सामने का शोल्डर 5.25 इंच है और पीछे का शोल्डर है लगभग 5.5 इंच इस प्रकार से आया है ये, है ना, ठीक है। अब यहाँ से हम गले का गला करते हैं, यहाँ लगभग 7 इंच पर, लेकिन गला का पार्ट अभी छोड़ दीजिए। अब आते हैं हम बस्ट राउंड पर, बस्ट राउंड इसका है 12.5 इंच, देखिए कोई फिक्स नाप नहीं है कि 35 इंच है तो बस्ट राउंड 12.5 होता है करके, कभी कभी 35 इंच में बस्ट राउंड 11.5 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है ना, लेकिन अधिकतम ये 12.5 से अधिकतम नहीं होता है ज़्यादातर। ये मैडम ने मुझको नाप बताया था 13 इंच,
मैंने मुझको ज्यादा लगा इसलिए उसको 12.5 इंच कर दिया, क्योंकि उसको नापने में थोड़ा सा सब लोगों को ये नहीं होता कि नाप नहीं पाते। एक मैडम ने तो मुझे नाप ले लेकर बताया कि सर 38 इंच मेरा चेस्ट है, बस्ट नाप रही हूँ तो 15 इंच आ रहा है, करके जो कि संभव ही नहीं है। इतना मुश्किल संभव होगा तो बहुत ही वो उसका बॉडी टोन बहुत ही डिफरेंट होगा, तभी वो संभव होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 30 इंच चेस्ट है तो उसका बस्ट अराउंड अधिकतम है तो 13 से 13.5 इंच तक ही हो सकता है, 13.5 इंच तक। मैंने अभी तक अपने अनुभव क्या किया है, ये कोई हो भी सकता होगा लेकिन ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पर 12.5 इंच इसका बस्ट अराउंड है, तो 12.5 इंच को कैसे नापेंगे, ये देखिए हमने 3.5 इंच ये 3.5 इंच ये हो रहा है, इसको कम कर देते हैं। अब यहाँ से उसको कम करते हैं ये, तो ये 12.5 इंच है तो उसको हम 13 इंच नापते हैं। तो इसको मैं थोड़ा और क्लियर करता हूँ कैसे 12.5 होगा, ये 13 इंच पर हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक मैंने देखिए मित्रों, इस कटोरी का उभार मतलब एक्स्ट्रा कितना ले रहा है, 1.25 इंच ले रहा है, मतलब 1.75 इंच इसका ये आ रहा है, और इसका जो कटोरी का जो साइज है कितना है 2.75, दोनों का हम कैलकुलेट मतलब प्लस करते हैं तो 4 पॉइंट, ये थोड़ा सा ये चीज़ है ऐसा होता है, तो 4.5 इंच इसको हम यहाँ पर लिखते हैं और उसके बाद समझते हैं आगे की किस्सा। 4.5 हमने लिख लिया ना, तो उसके बाद इसका चेस्ट कितना है 35 इंच इसका चेस्ट है, तो 35 इंच चेस्ट पर हम क्या करेंगे, ये देखिए 35 कितना होता है, 9.25 पर 35 होता है, उससे 0.5 इंच 9.25 पर, 9.25 पर हम लेकर 4.5 का एक मार्क यहाँ पर लगाएंगे ये इस प्रकार से। अब उसके बाद ये हमने इसी पाइप मार्क पर हम बिल्कुल इस सीधी रेखा पर हम इस सीधी रेखा को रख देते हैं। अब देखिए 12.5 इंच का बस्ट पॉइंट किस प्रकार से आता है, मैंने 12.5 इंच का बस्ट पॉइंट बोला था ना, यहां से आप चलिए निकाल दीजिए 0.5 इंच सिलाई के लिए। अब नापते हैं ये कितना हुआ, 9.25 हुआ, ठीक है। अब डॉट लगने के बाद यहां तक देखिए बिल्कुल 9.25 है, तो ये 12.5 फिक्स आ रहा है यहां पर, और 0.5 इंच इसकी सिलाई के लिए हमने ले रहे हैं। इस प्रकार से 12.5 इंच का ये बस्ट राउंड पूरा आ जाता है। बस्ट राउंड लेकर यहां से लेकर यहां तक की दूरी को बस्ट राउंड कहते हैं। तो यहां पर हमने घटा कर की देखिए, यहां पर हमने सिलाई के लिए 0.5 इंच छोड़ दिया तो ये 9.25 हो रहा है, यहां से 9.25 कर रहे हैं तो 12.5 यहां पर हो रहा है। तो इस प्रकार से हमें बस्ट का राउंड पता चल जाता है, ठीक है मित्रों। अब हम क्या करेंगे, गला का राउंड निकालेंगे, ये देखिए 6.5 इंच सामने से गला खुल रही है, इसको थोड़ा सा इसको हमने किया, पेन से लगाता हूँ आपको समझ आएगा। तो ये थोड़ी सी इसको तिरछी लेंगे, ज़्यादा गला खुला आप मतलब फैले हुए गला नहीं पसंद करते तो आप सीधी भी ले सकते हैं, उसमें कोई ये नहीं है, तिरछी करना आवश्यक नहीं है, है ना। ज़्यादा खुला पसंद नहीं करती तो उसको बंद भी कर सकते हैं। ये इस प्रकार से इसका राउंड निकालेंगे और समथिंग यहाँ से जहाँ पर राउंड चालू हो रहा है लगभग ये 4.5-5 जहाँ पर राउंड शुरू हो रहा है वहीं से हम इसका राउंड कर देंगे। ये राउंड करने के लिए चलिए मैं मेरा कैमरा, ये हमने इस पर राउंड किया है, इसी राउंड की मार्क, इस मार्क को हम नीचे भी लगा लेंगे। अब मैंने जो है 3.5 इंच पर जो रेखा खींचने को बोला था मित्रों, फिर उसको हम अंदर नीचे कपड़े में भी खींच लेंगे। थोड़ा जटिल लग रहा होगा लेकिन एक बार समझ जाएंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा बाकी कटिंग के लिए। जो मेरी पहली बार पुराने जो दर्शक ये हैं सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है मेरा तरीका, लेकिन जो नए हैं उनके लिए थोड़ा पटा हो सकता है। ये देखिए इस फर्मा के माध्यम से हमें ये प्राप्त हो जाता है ये। अब आपका ये इसको हटा लेने पर क्या मिलेगा, बिल्कुल आप इसका मार्किंग कर लेना, इसको जिस प्रकार से उसका गले का मार्किंग हुआ है उसको मार्किंग कर लेंगे आप उसको। अब इसको आप हटा दीजिए ये। अब ये देखिए कितना कितनी खूबसूरती के साथ सामने का पल्ला निकला हुआ है। देखिए इसको इस तरीके से हम प्राप्त कर लेते हैं। हम कहीं पे इसको अगर आप हम बहुत से कटिंग वाले के आप बताने वाले कि इसको पहले निकालते हैं उसके बाद क्या है कटोरी निकालते हैं तो मुझको ये समझ नहीं आता है उसमें मेरी गलती हो सकती है, मेरे समझने में गलती हो सकती है कि बस्ट का मतलब कटोरी का साइज कैसे क्रिएट करते होंगे। मैंने पहले कटोरी का साइज क्रिएट किया
क्योंकि हमें इसके हिसाब से, लेकिन वो लोग पहले इसको काटते हैं तो उसको कटोरी का साइज क्रिएशन में मुझे तकलीफ होती है, इसलिए मैं ये तरीका बताता हूँ। हम इसको अब काट लेंगे, ये हमने इस तरीके से काट लिया, इसको थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा किया है ना इससे ताकि सिलाई लगेगी करके। अब उसके बाद हम इस कटोरी को भी कंप्लीट कर लेते हैं। कटोरी को किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे, ये देखिए जहाँ पर ये राउंड खत्म हो रही नहीं है, देखो यहाँ पर जो सीधी रेखा है उस पर, यहाँ पर जो क्रॉस कर रही है यहाँ रही रेखा, उसको आप सीधा मिला दीजिए, इसको सीधा मिला दीजिए। अब उसके बाद उसको मिलाने के बाद इसको काट देंगे, कितना काटेंगे उससे आधा इंच एक्स्ट्रा काटेंगे ना, सिलाई भी लगनी है उस पर। ये तो ये इस प्रकार से होता है, गला कट गया आपका। यहाँ पर भी हम थोड़ी एक्स्ट्रा लेकर काटेंगे सिलाई के लिए। इस प्रकार से आपका कटोरी बेहद ही थोड़ा सा, और ये कटोरी आपको बार बार आपको काम आ सकता है, ये 35 में भी काम आ सकता है, 36 में भी काम आ सकता है कटोरी, 38 तक काम आ सकता है ये कटोरी, है ना। तो इस कटोरी को आप बिल्कुल संभाल कर रखेंगे, इस प्रकार से रखेंगे आप। चलिए हम उसका योग पट्टी काटते हैं। योग पट्टी काटने के लिए क्या है, देखिए इसको आप इसमें रखते हैं ना आप, जब तो रखने के पश्चात जितना कपड़ा बच रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है, 1.5 इंच लगभग बच रहा है, 1.5 इंच की हम पट्टी बनाएंगे। ये मैंने योग काटने के लिए 1.5 इंच की चौड़ाई था तो मैंने 2.5 इंच पर इसको ये करके ये किया हूँ। और जो यहाँ पर जुड़ने का जो होता है मित्रों, यहाँ से यहाँ पर जब जुड़ता है उसका यहाँ पर मार्किंग कर ले कितना पर लास्ट हो रहा है, तो यह 1.75 पर आ रहा है, उससे आधा इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा बढ़ाकर 7.5 इंच पर, 6.25 इंच पर इसके मैंने मार्किंग कर ली है, 6.25 इंच पर इसकी मार्किंग कर ली है। और जितना कमर है, कमर के 7.5 इंच, 30 इंच कमर है, 7.5 होता है, और इससे 2.5 इंच एक्स्ट्रा पर मैंने इसको कटिंग कर लेंगे। ये योग हो गया। उसके बाद अब इसको कटोरी को कैसे रखना है, तिरछी रखनी है, इस प्रकार से तिरछी रख कर इसको हम काट लेंगे। ये हमने तिरछी रख के हमने काट लिया है, देखो इसका पॉइंट बना रहे हैं हम, ये पॉइंट हो गया इसका, जहाँ पर डांट के लिए हमने रेखा किया वहाँ पर डांट रह गए, ऐसे इस प्रकार से ये प्राप्त हो गया। ये आपका कटोरी बिल्कुल फिक्स कट गया। अब चलिए हम काटते हैं आस्तीन, बड़ी जल्दी से काटते हैं, बहुत लंबा हो जाता है वीडियो, थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी देने पर लंबी हो जाती है, फिर भी वो बोझिल हो जाती है। अब आस्तीन काटते हैं, 6 इंच इसकी आस्तीन लंबाई है, 5.5 इंच मोहरी है, 15 इंच इसका ये है, 6 इंच लंबाई मित्रों, 1 इंच एक्स्ट्रा 7 इंच पर हमने किया है, 15 इंच इसका आर्म होल है, तो 15 का ठीक आधा 7.5 होता है, तो यहाँ जहाँ पर रेखा है वहाँ पर 7.5 हमने कर दिया, और हमने कर दिया है यहाँ पर 5.5 इसका मोहरी है, तो मोहरी है तो इसलिए इसे करेंगे और बिल्कुल खींच देंगे ये, इस प्रकार से थोड़ा सा ये करेंगे, इसके राउंड को इस प्रकार से काटेंगे, ज़्यादा यहाँ पर ये नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पर सल्स पैदा हो जाते हैं। ये हमें ये इस प्रकार से है, ये हो गया, ये उसके बाद हम सामने का हिस्सा, पीछे का हिस्सा खींच लेंगे, इस प्रकार से हमारी कटिंग पूरी हो जाती है। आशा है आज की कटिंग क्या बोलते हैं आपको पसंद आई होगी, मैंने कोशिश किया कि नहीं बोलूंगा ज़्यादा, फिर भी बोलना पड़ जाता है मित्रों, उसके लिए सॉरी, और आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद।